गोरखपुर गांव के जमींदार को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसीलिए उस गांव में कहीं कुत्ते नहीं दिखते थे। उस गांव के एक घर में लीला के पिताजी, लीला लीला उठ जाओ बेटी, सुबह के 10 बज गए हैं, क्यों नहीं उठी अभी तक? सोने दो पापा, 12 बजे उठाओ मुझे प्लीज। इसको सुबह और शाम का फर्क पता नहीं चल रहा है, छी छी सोचकर टीवी ऑन करते हैं। इतने में लीला धीरे धीरे उठकर टीवी देखते हुए, पापा देखो वो कुत्ता कितना प्यारा है, वो कुत्ता मुझे चाहिए पापा, प्लीज पापा। तुम्हें पता है ना बेटी कि हमारे गांव में हम कुत्ते नहीं पाल सकते, अब तुम्हारे लिए कुत्ते को लाकर मैं इस गांव में हल्ला नहीं मचा सकता। ठीक है आपकी मर्जी। अगले दिन स्कूल से वापस आते वक्त लीला को एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला दिखता है जिसके पैर पर बहुत बड़ी चोट थी। अरे इस छोटे से पिल्ले को इतना बड़ा चोट लगा है, सोचकर उस पिल्ले की तरफ जा रही थी तब लीला के दोस्त, मत जाओ मत जाओ वहाँ मत जाओ, चिल्लाने लगते हैं। लीला रुक कर, क्यों मदद ना करूं? वो भी तो हमारी तरह एक प्राणी ही तो है, इस बारे में पता चला तो हमारे गांव वाले या फिर वो जमींदार इस पिल्ले को मार देंगे। लीला मजबूर होकर अपने दोस्तों के साथ वहां से चली जाती है। उस रात को लीला को नींद नहीं आती, वो उस पिल्ले के बारे में सोचते हुए, बेचारा वो पिल्ला इतनी दर्द में था, मुझे किसी भी तरह उस पिल्ले को यहाँ लेकर आना चाहिए, सोचकर वहाँ से निकल पड़ती है। उस रात को टॉर्च लाइट लेकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद एक जगह पे वो पिल्ला उसे दिखता है। शुक्र है भगवान का, कहकर पिल्ले को लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। लीला घर पहुंचकर उस पिल्ले के पैर पर दवाई लगाकर अपने घर के पीछे एक अंडरग्राउंड डॉग हाउस तैयार करके उस पिल्ले को उसके अंदर रखती है और उस पर एक मुर्गी की टोकरी भी रखती है। 10 बजे से पहले ना उठने वाली लीला अगले दिन 5 बजे उठकर उस पिल्ले के लिए टिफिन बनाने लगी। लीला के पापा अपनी बीवी से, ये सच है कि सपना सुबह के 5 बजे उठ गई है ये? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है जी, सुबह उठकर पूरा घर का काम कर दिया इसने, टिफिन भी तैयार कर दिया। थोड़ी देर में पापा जब ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लीला टिफिन लेकर उस अंडरग्राउंड डॉग हाउस में डाल देती है। वो पिल्ला उस टिफिन को खाकर आराम से जीने लगता है। जमींदार एक दिन लीला के घर के सामने से निकल रहा था और वो कुत्ता उस डॉग हाउस से बाव बाव कहकर भौंकने लगता है। तुरंत जमींदार वहां आकर, ये क्या है, मुझे यहाँ कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही है, कहकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। इतने में लीला आकर, हाय अंकल कैसे आना हुआ, किसी काम पर आए हो क्या आप? यहाँ से मुझे कुत्ते की आवाज आ रही है बेटी, इसीलिए ऐसे आया हूँ। ओहो वो आवाज, वो तो हमारे स्पीकर से आ रही है बस। जमींदार उस टोकरी की तरफ देखकर, क्या बेटी मुर्गी पाल रहे हो क्या, पूछकर उस टोकरी की तरफ जाने लगता है। अंकल उस टोकरी की तरफ मत जाइए, अगर मुर्गी उड़ गए तो मेरे पापा बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, कहकर वहां से निकल जाता है। उस गांव से थोड़े दूर एक चोरों का सरदार अपने साथियों से, आज रात को हम इस गांव के बड़े बड़े लोगों के घर पे सोना और चांदी चोरी करेंगे। हे भगवान, अकेले इतने बड़े घर पे चोरी करना बहुत जोखिम का काम है, बड़े बड़े लोगों के घर पे कुत्ते भी तो होते हैं। इस गांव में कुत्ते निषेध है, इसीलिए तुम कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा। उस रात को वो चोर एक एक घर जाकर चोरी करने लगते हैं। अगले दिन एक घर में, सुनिए सुनिए किसी ने पूरे गहने चुरा लिए, पैसे भी चोरी हो गए, कहकर चिल्लाने लगती है। एक और घर से भी, हे भगवान मेरे घर से पूरा सोना चोरी हो गया, कहकर रोने लगती है। ऐसे सारे बड़े बड़े लोगों के घर पे चोरी होती है। गांव वालों आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, मैंने पुलिस को खबर कर दी है, वो जल्द से जल्द चोरों को पकड़ लेंगे।
उस रात को चोर फिर से चोरी करने निकल पड़ते हैं और लीला के घर पहुंचते हैं। भाई भाई, उस मुर्गी की टोकरी को देखो, उसके नीचे 3-4 मुर्गी तो रहेंगे। चोरी के बाद उन मुर्गियों को भी चुरा कर चिकन 65 बना के खाएंगे, कहकर लीला के घर पे चोरी करके उस टोकरी को उठाते हैं। बस एक झटके में वो कुत्ता बाहर निकलकर उन चोरों का पीछा करने लगता है। कुत्ता जोर जोर से भाव 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 कहकर चिल्लाने लगा, जिससे आसपास वाले ये आवाज क्या है सोचकर वहां पहुंचते हैं। बाहर आकर देखने पर वो कुत्ता उन चोरों का पीछा कर रहा था। तुरंत गांव वाले वहां आकर उन चोरों को पकड़कर उन्हें खूब पीटते हैं। जमींदार ये देखकर, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, आज इस कुत्ते की वजह से हम इन चोरों को पकड़ पाए हैं, इसीलिए आज से हमारे गांव में कुत्तों का निषेध नहीं रहेगा, कहकर घोषणा करता है। विलासपुर नाम के गांव में अक्षय नाम का एक बाइक मैकेनिक हुआ करता था। उस गांव में किसी की भी बाइक खराब होती तो वो अक्षय के शेड के पास ही आते थे। अक्षय के जैसे इस पूरे गांव में कोई भी बाइक रिपेयर नहीं कर सकता कहकर सब बोलते थे। एक बार अक्षय के शेड के पास राकेश नाम का एक व्यक्ति आया। मेरे बाइक के अंदर से पता नहीं क्यों आवाजें आ रही हैं। एक बार प्रॉब्लम क्या है देखो, कहकर अपना बाइक दिखाया। देखता हूँ राकेश भाई, कहकर बाइक को चेक करने लगा, नीचे कुछ ठीक किया और अब स्टार्ट कीजिए भाई। राकेश बाइक स्टार्ट करके देखा, गाड़ी अच्छे से स्टार्ट हुई। मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई, पहले ही 4 दिनों में अंडरग्राउंड बाइक रेस होने वाली है। हर साल उस गांव में तरह तरह के बाइक रेसेस होते थे। आसपास के गांव में से बहुत लोग वहां पर आकर उस रेस में भाग लेते थे। पास में रहे एक अंडरग्राउंड टनल में एक बाइक रेस होती थी। जीतने वाले को एक नई बाइक और 1,00,000 रुपए इनाम देते थे। पिछले 4 सालों से उस बाइक रेस में राकेश ही जीतते आ रहा था। एक बार अक्षय अपने दोस्त से, अगर मेरे पास भी बाइक होती तो मैं भी इस साल अंडरग्राउंड टनल बाइक रेस में भाग लेकर पैसे जीतकर मेरे माँ को देता था रे, कहकर अपने दोस्त से कहने लगा। रे ये सब हमसे नहीं हो पाएगा रे, ऐसे छोटे काम करते हुए हम अपनी जिंदगी में कभी भी बाइक नहीं खरीद सकते। ठीक है, हमें इस बार भी रेस देखने जाना होगा। राकेश भैया जो भाग ले रहे हैं पिछले 4 साल से वही रेस जीत रहे हैं, इस बार भी वही जीतेंगे लगता है। उस दिन अक्षय घर जा रहा था, तभी उसे थोड़े लोगों के बातें सुनाई दिए। रे ये राकेश हर साल रेस में जीत रहा है, इस बार भी जीतेगा लगता है, कुछ भी करके उसे जीतने नहीं देना चाहिए। तो क्या करेंगे रे, वो अब बाइक पे ही घूम रहा होगा, हम उसके बाइक को जोर से टक्कर मारेंगे और उसे घायल करेंगे, तब वो इस बाइक रेस में भाग नहीं ले सकता। ये बात जाकर राकेश भैया को बताना होगा, सोचकर अक्षय भागते हुए जाने लगा। वो राकेश के पास पहुंचने तक वो लोग राकेश की बाइक को टक्कर मार दिए। राकेश बहुत जख्मी हुआ और गाड़ी भी पूरी तरह से खराब हो गई। तब राकेश के पास अक्षय जाकर सब कुछ बताया। राकेश को बहुत गुस्सा आया। ये सब उन कमीनों की ही करतूत है क्या? अगर मुझे चोट नहीं लगती तो मैं उन्हें रेस में हराता था। मेरे ठीक होने तक मेरे गाड़ी को भी रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, वो बहुत डैमेज हुई है। इस बाइक को खरीदने के लिए मैंने 1,00,000 रुपए का कर्ज किया था, इस रेस में पैसे जीते तो कर्ज चुका दूंगा कहकर सोचा था, कहकर दुखी हुआ। तब अक्षय को एक उपाय सुझा। राकेश के बाइक को अपने घर ले जाकर रात भर बैठकर उसे रिपेयर करने लगा। थोड़े दिनों के बाद सब अंडरग्राउंड रेस देखने उस टनल के पास आए।
रेस में भाग लेने वाले वहाँ पर थे। उनके बीच में राकेश के बाइक पर अक्षय आया। रेस शुरू हुई। पहले अक्षय रेस में पीछा रह गया था। मगर बाद में धीरे धीरे अपनी तेजी बढ़ाते हुए सबको पार करते हुए आगे चला गया। और लकीर पार करके रेस में जीत गया। उसे ऑर्गेनाइजर्स एक नया बाइक और 1,00,000 रुपए पैसे भी दिए। वो खुशी से राकेश के पास जाकर, आपके बाइक को चलाकर मैंने रेस जीता है भाई, मैं आपको ये 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ, इनसे आप अपने कर्ज चुका सकते हैं, कहकर उसे पैसे दिया। अक्षय रेस में जीते नए बाइक को लेकर खुशी से घर चला गया। जानखेड़ नाम के गांव में शिवराज गुरुराज नाम के दो मित्र हुआ करते थे। दोनों गैस गोदाम में काम किया करते थे। शिवराज क्रिकेट का दीवाना था। जब भी क्रिकेट मैच होता था तो गैस सिलेंडर बिल्कुल भी डिलीवर नहीं करता था, लेकिन गुरुराज ठीक से काम किया करता था। शिवराज के किए लापरवाही के वजह से कस्टमर्स गैस कंपनी वालों से बहुत शिकायत करते थे। वो सब पर गौर करते हुए गुरुराज शिवराज से, अरे उन्हें गैस बुक किए हुए 10 दिन हो गए, अब तक डिलीवरी नहीं किया। पूछने पर कल भिजवाऊंगा, आज भिजवाऊंगा, यूँ कहानी सुनाते रहते हो। लेकिन तुम्हें अकल है या नहीं? इतने देर करोगे तो वे बेचारे खाना कैसे खाएंगे? कितनी परेशानी होती होगी, सोचा तुमने? हाँ, सिर्फ मैच के दिन ही लेट होता है। तुम तो जानते हो कि मैं क्रिकेट का कितना बड़ा फैन हूँ ना। कल बहुत दिलचस्प मैच चल रहा था, उसे देखते देखते बैठ गया। वैसे मेरी फिक्र तुम मत करो, तुम अपना काम करो। अरे क्रिकेट के इतने शौकीन हो तो ग्राउंड पर जाकर इंडिया के लिए खेलो ना। यहाँ गैस के गोडाउन में काम क्यों कर रहे हो? लोगों के साथ खेल रहे हो? पता नहीं तुम्हें क्यों ये सलाह दिए जा रहा हूँ, लेकिन सुन लो, इस बार भी तुमने गैस डिलीवरी लेट किया तो जरूर तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। पता नहीं, दोस्त के नाते कह रहा हूँ, ध्यान से काम करो। कहकर अपने काम पर लग गया अपने में ही शिवराज। हाँ, ऐसे मैंने कई देखे हैं। वैसे ये गुरुराज क्या मुझे ही सिखाता रहता है, इसे किसी तरह बदनाम करना होगा। एक काम करता हूँ, उस गुरुराज की गाड़ी से डिलीवरी सिलेंडर्स को चुरा लूंगा, तब इसे अकल आएगी। सोचकर गुरुराज की गाड़ी से एक एक सिलेंडर चुराकर गांव के बाहर अपने एक खाली जगह पर, एक अंडरग्राउंड है उसके ऊपर एक दरवाजा है, उसे खोलकर ओपन अंडरग्राउंड गोदाम में इन सिलेंडर्स को छुपा दिया। गुरुराज के खाते से सिलेंडर्स गायब हो रहे हैं, ये गौर करके गुरुराज के बॉस उसे बुलाकर, देखो गुरुराज, मुझे लगा तुम बहुत अच्छे आदमी हो, चोर नहीं, तुम्हारे डिलीवरी करने वाले सिलेंडर्स और मिले सिलेंडर्स के गिनती से सही नहीं है। जब तक ये हिसाब समझ नहीं आता तुम्हें काम से निकाल रहे हैं। अपना हिसाब दिखाकर काम पर फिर से लग जाओ, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले करना होगा, कहकर उसे वार्निंग दिए। गुरुराज को क्या करना है समझ ही नहीं आया, बेचारे की रोने की स्थिति आ पड़ी थी। ये क्या, मैं इतने ईमानदारी से समय पर डिलीवरी कर रहा हूँ तो ये मुझे चोर कह रहे हैं, काम से निकाल दिए। वैसे मेरे जानकारी के बगैर मेरे गाड़ी से सिलेंडर कैसे मूव हो रहे हैं? मेरे साथ कुछ तो धोखा हो रहा है, किसी भी तरह पता लगाना होगा, कहकर अपने गाड़ी को एक जगह पर रोककर दूर खड़े होकर देखने लगा। कुछ देर बाद वहाँ अपने ऑटो में शिवराज आकर इधर उधर देखा कि कहीं कोई और तो नहीं है, फिर चुपके से गुरुराज के गाड़ी से गैस सिलेंडर्स निकालकर अपने गाड़ी में रखकर वहाँ से निकल गया। ये सब गुरुराज अपने मोबाइल में वीडियो निकाला। बाप रे शिवराज, तुम इतने बड़े धोखेबाज हो, बेकार में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगवाया। खैर, देखता हूँ कि ये इन गैस सिलेंडर्स को कहाँ छिपाता है, कहते हुए उसका पीछा करने लगा। वो तेजी से अपने ऑटो को उस खाली जगह पर ले जाकर वहाँ वो मौजूद डोर को ऊपर खोलकर उन सिलेंडर्स को वहाँ छिपा कर रखा। उन्हें एक साथ देखकर, बाप रे, इस बार तो बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लिया हूँ, पहले ही त्योहारों का समय है, ब्लैक में बेचूंगा तो जितने दाम पर दूंगा उतने दाम पर लोग खरीदेंगे, तब मुझे बहुत लाभ होगा। ये लाभ मिले पैसों से क्रिकेट बेटिंग में लगा दूंगा और फिर पैसे मिलेंगे, फिर मैं ये बेकार का गैस का काम छोड़ सकता हूँ, कहकर बाहर आकर इधर उधर देखकर निकल गया। अगले दिन गुरुराज
एक बड़े से पैकेट में पटाखे लाकर शिवराज के बेटे चिंटू को बुलाकर। अरे चिंटू इधर आओ, देखो तुम्हारे चाचा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। रॉकेट, लक्ष्मी बॉम्ब, सारे बॉम्ब्स को जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे उड़ाओ। यूं देख के कह ही रहा था कि वो देखकर शिवराज, क्यों रे अभी तो दिवाली के लिए बहुत समय है ना, अभी क्यों पटाखे दे रहे हो। और वैसे नौकरी गई तो मैं सोचा तुम परेशान होंगे, तुम तो यूं सेलिब्रेशन कर रहे हो, इसमें ही मेरी खुशी है रे। वैसे मेरे तो बच्चे नहीं है, तुम्हारा बेटा खुश हो जाएगा कर लेकर आया हूँ। आओ चिंटू पटाखे फोड़े, लेकिन यहाँ नहीं, सबके बीच नहीं फोड़ना चाहिए। तुम्हारे गाँव के बाहर तुम्हारे पिताजी खाली जगह है ना, वहाँ जलाएंगे। कहकर शिवराज को अंडरग्राउंड के पास ले गया, उसे पटाखे देकर जलाओ कहते हुए दिया। वो देखकर घबराते हुए शिवराज, रे रे यहाँ मत जलाओ रे, बहुत खतरा हो सकता है, उन पटाखों को घर पर जलाएंगे, चलो चलो। यूं घबरा रहा था तो इतने में उनके कंपनी के बॉस और दूसरे एम्प्लॉयज भी वहाँ आए। चिंटू के हाथ से फटाके फुटवा रहे गुरुराज को देखकर बॉस, क्यों भाई गुरुराज, नौकरी खोकर लगा कि तुम पागल हो गए होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो, और तो हर हमारे पूरे स्टाफ और पुलिस को बुलाए हो। आइए सर आइए, पहले इन फटाकों को पकड़ लीजिए, चलाइए, फिर आप लोगों को ही पता चल जाएगा कि मेरा सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है। आइए ये रॉकेट बम लीजिए, कहकर सबको फटाके थमाकर वो खुद भी रॉकेट फटाकर लेकर निशाना लगाकर उस दरवाजे की तरफ फेंका। बस शिवराज एकदम से भागते हुए आकर उस पर कूदकर उसे बुझा दिया। वो देखकर बॉस, ये क्या शिवराज उस रॉकेट को ऐसे बुझा दिए, वैसे वो डोर में क्या है, उसमें कहीं कुछ कीमती रखा हुआ है क्या। यूं कहकर डोर खोलकर अंदर देखा तो सारे के सारे उनके कंपनी सिलेंडर्स वहाँ मौजूद थे। उन्हें देखकर चकित रहकर बॉस, ये क्या हमारे कंपनी के सिलेंडर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। सर ये जगह हमारे शिवराज का ही है, ईमानदारी से काम करने वाले मुझ जैसे से सिलेंडर्स कैसे गायब हो रहे हैं ये देखने के लिए मेरी गाड़ी को रखकर दूर खड़े होकर देखा तो ये देखा कि शिवराज मेरे ही गाड़ी के सिलेंडर्स चुराकर यहाँ छिपाकर रख रहा था। मैंने देखा और उसका वीडियो भी निकाला, ये देखिए। कहते हुए वीडियो दिखाया। बस फिर बॉस एम्प्लॉय सब शिवराज को पकड़ कर पीटे और पुलिस के हवाले कर दिए। गुरुराज से बॉस, सॉरी गुरुराज, ईमानदार कौन है और धोखेबाज कौन है अब मुझे पता चला, तुम जैसे ईमानदार को तकलीफ दिया, जल्दी आकर कंपनी ज्वाइन करो, तुमने कंपनी को नुकसान होने से बचाया, तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ाएंगे। गुरुराज खुशी से हाँ कहा। श्रीराजपुर नाम के गांव में उपाध्याय नाम का व्यक्ति बहुत सालों से एक पेट्रोल बंक में काम करता रहता था। एक बार उस पेट्रोल पंप का ओनर भीमराव वहां पर आया। भीमराव से उपाध्याय, सर मेरी तनख्वाह बढ़ाकर बहुत साल हो गए हैं, इतने कम तनख्वाह से घर संभालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, थोड़ी मेरी तनख्वाह बढ़ा दो ना सर। ये क्या उपाध्याय, तुम्हारे साथ साथ और भी लोग शिफ्ट के हिसाब से इस पेट्रोल बंक में काम कर रहे हैं, मगर कोई भी तुम्हारी तरह तनख्वाह बढ़ाने के लिए पूछता नहीं, हरदम तुम ही पूछते रहते हो। क्यों भाई तुम्हें पेट्रोल में मिलावट करना और कस्टमर्स को धोखा देना भी नहीं आता है क्या। सर एक संस्था में काम करने वाला अगर धोखा दिए तो तब उसमें काम करने वाले को ही नहीं उस संस्था को और उस संस्था के मालिक को भी बुरा नाम आएगा, उतना ही नहीं उस संस्था को बंद करना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए सर, इन लोगों को भी मिलावट करना बंद करने के लिए बोले सर। क्यों भाई तनख्वाह बढ़ाने के लिए पूछते पूछते अब मुझे ही सुना रहे हो, देखो तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग आजकल कोई नहीं है, सब लोग एक दूसरे को धोखा देते हुए जी रहे हैं, सिर्फ हम ईमानदार रहे तो हमें एक रुपया भी नहीं मिलेगा। हाँ और क्या कह रहे थे, संस्था में कोई गलती करे तो उस संस्था का मालिक मुश्किल में पड़ जाएगा क्या। हाँ हाँ तो ठीक है, जाकर तुम एक ईमानदार मालिक के पास काम करो, अभी तुम्हें नौकरी से निकाल दे रहा हूँ, समझ आ गया क्या। कहकर वहाँ से चला गया। उपाध्याय घर जाकर अपने पत्नी श्यामा और साला धीरू से जो बीता वो सब कुछ बताया। आप भी ना मालिक के कहे जैसे काम करे बिना कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहते हो, अब देखो ईमानदारी से करने पर प्रशंसा ना करते हुए आपको नौकरी से निकाल दिए, कम से कम अब तो भी इस समाज में कैसे जीना है सीखिए जी। उसके बातें सुनकर धीरू, दीदी आप रुकिए, जीजा जी ने कौन सी गलती की है जो आप डांट रहे हो, अगर हम ही जीजा जी का समर्थन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। रे तुम सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हो, मगर मैं कल से बच्चों के फीस, घर का भाड़ा, ये सब कैसे भरना है वो सोच रही हूँ। दीदी वो सब मैं देख लूंगा, उसके बारे में तुम सोचना छोड़ दो, कहकर चला गया। अगले दिन धीरू श्यामा के घर आकर
दीदी कल हम एक मैजिकल अंडरग्राउंड पेट्रोल बम्प शुरू करने वाले हैं। उसके लिए मशीनरी भी मंगवा रहा हूँ, आप लोग तैयार रहिए। कहकर वहाँ से चला गया। बाद में वो सब मिलकर एक जगह मैजिकल अंडरग्राउंड पेट्रोल पंप लगाए और उसका पाइप कनेक्शन जमीन के अंदर से दिए। उस पाइप को पकड़े खड़े होकर धीरू, आइए भाई आइए, अच्छा और किफायती पेट्रोल डीजल सब है, बाहर के पेट्रोल बंक से भी 20 रुपए कम दाम में बेच रहे हैं, आइए भाई आइए। उसके बातें सुनकर एक लॉरी ड्राइवर, क्यों भाई जमीन में छेद करके उसके अंदर से पाइप निकाल के पेट्रोल बेच रहे हो, कोई गड़बड़ तो नहीं है या कोई हम जैसे लोगों को लूटने का प्लान डाल रहे हो? भाई देखे तो आप अच्छे आदमी लगते हैं, आपको मैं क्यों झूठ बोलूंगा, सच बोल रहा हूँ भाई, ये मेरे दोस्त का खेत है, इसे मैंने पट्टे पे लिया है, पानी के लिए बोर डालकर देखा तो पानी के जगह जमीन से पेट्रोल और डीजल आने लगा है, इसलिए पेट्रोल पंप भी अंडरग्राउंड खोदकर उसमें लगाया हूँ। ये बात सरकार वालों को या इस खेत के मालिक को पता चलने से पहले ही मेरे जीवन के लिए थोड़े पैसे जमा करने की सोच रहा हूँ और इसे दिन में सिर्फ 4 घंटे ही खोल के रखता हूँ। कृपा करके आपके पहचान के लोगों को यहाँ पर भेजाओ भाई। कमाल करते हो भाई, मुझे 1 रुपए की बचत होगी तो मैं ना क्यों बोलूंगा, मेरे पहचान के सारे लोगों को पेट्रोल के लिए यहाँ पर ही भिजाऊंगा। कहकर पेट्रोल भरवा कर पैसे देकर चला गया। ऐसे हर दिन वहाँ पर लॉरी और बाइक वाले आकर पेट्रोल डलवाने लगे, कारोबार अच्छे से चलने लगा। बाद में थोड़े दिन के बाद उपाध्याय ये सब गौर करके अंडरग्राउंड में आकर धीरू से, रे धीरू तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है रे, एकदम से जमीन में से इतना सारा पेट्रोल और डीजल कैसे आ रहा है? यही तो है असली चमत्कार जीजा जी, आपके मालिक का सिखाया हुआ धोखे का चमत्कार। असल में बात यह है कि पेट्रोल पंप को पेट्रोल टैंक के द्वारा पेट्रोल सप्लाई करते रहते हैं, थोड़े पेट्रोल बंक वाले अंडरग्राउंड में से पाइप्स डालकर अपने पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते हैं और हमारी खुशकिस्मती यह है कि आपके मालिक के पेट्रोल पंप को पाइप्स के द्वारा पेट्रोल आ रहा है और मैं उस पाइप में छेद करके पेट्रोल चोरी करके बेच रहा हूँ। अब देखो आपके धोखेबाज दोस्त पेट्रोल मिलावट करना मुश्किल होकर तुम्हारे मालिक से डरकर अगर हो सके तो पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचेंगे। रे ये अन्याय है रे, ऐसे किए तो उनमें और हम में फर्क क्या है? देखो जीजा जी आप मुझसे ऐसे ईमानदारी की बातें मत किया करो, ये सब छोड़ो और जाकर आपके मालिक के पेट्रोल बंक के पास क्या हो रहा है वो देखेंगे चलो। कहकर धीरू उपाध्याय दोनों मिलकर भीमराव के पेट्रोल बंक के पास गए। वहां जाकर देखे कि सब लोग पेट्रोल पंप के ऊपर पत्थर फेंकने लगे। पुलिस वाले भीमराव को अरेस्ट करके ले जा रहे थे। अब वहां पर उपाध्याय को देखकर भीमराव, तुमने सही कहा था उपाध्याय, इन्हें धोखा देना भी मैंने ही सिखाया था और अब आखिर में पेट्रोल में पानी भी मिलाकर बेच रहे हैं। आखिर में तुम्हारे कहे जैसे ही पुलिस वाले मुझे ही गिरफ्तार कर रहे हैं। देखो मेरे बाहर आने के बाद मैं पेट्रोल बंक तुम्हें ही सौंप दूंगा, मेंटेनेंस सारा तुम्हारा ही होगा, मैं बंक के पास भी नहीं आऊंगा क्योंकि तुम्हारे ईमानदारी पे मुझे भरोसा है। उसके बातें सुनकर धीरू, देखा है ना जीजा जी अब जाकर आपके मालिक को पता चला है, वैसे ये सब कभी ना कभी होना ही था मगर हमारे अंडरग्राउंड पेट्रोल पंप के वजह से थोड़े जल्दी ही जेल जा रहे हैं, तो अब हमारे मैजिकल अंडरग्राउंड पेट्रोल पंप को अब हमें बंद करना होगा जीजा जी। कहकर हंसने लगा। वो पटेल कोंडा पार्क है, एक बेंच पर राहुल, कब तक क्यों लुका छिपी खेलते रहेंगे, तुम्हारे माँ बाप से शादी की बात कर सकती हो ना? तुम्हें क्या है बाबू, तुम तो कुछ भी कहोगे, हमारे गाँव आओगे तो पता चलेगा। ठीक है कल ही तुम्हारे गांव आकर तुम्हारे माँ बाप से बात करूंगा, ठीक है ना? अगले दिन राहुल प्रशांका के घर आकर प्रशांका के पिता से, अंकल मेरा नाम राहुल है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, महीने के 60,000 कमाता हूँ, आपकी बेटी प्रशाखा मुझे बहुत पसंद है, उससे शादी करने की सोच रहा हूँ। हाँ क्या, ठीक है बता दिया ना, अब जाओ। मेरा मतलब वो नहीं था जी, आपकी बेटी से शादी करने की सोच रहा हूँ, आई लव हर। तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी से शादी करना इतना आसान है? मैं इस गांव का प्रेसिडेंट हूँ, आने वाले गुरुवार को गांव के चौपट के पास आओ, वहाँ बहुत सालों से एक अटकी समस्या की बात करेंगे। दूसरे दिन चौपाल पर प्रशांका के पिता और दूसरे गांव का प्रेसिडेंट बैठे हुए थे। देखिए दयाल जी, आपके और हमारे गाँव के बीच एक नाड़ी है, उस पर ब्रिज बनाना है, आप कह रहे हैं आप चाहो तो लगवा लीजिए लेकिन पैसे हम नहीं देंगे, वो आपकी जरूरत है भाई। देखिए ब्रिज बनाना जितना हमारे लिए जरूरी है उतना ही आपके लिए भी, क्यों
सिर्फ आप में ही आत्मसम्मान है, हम में नहीं, और सिर्फ हम ही क्यों पैसे डाले? ठीक है, हम भी पैसे नहीं देंगे। राहुल को सारी बात समझ आ गई। ये दोनों तो पैसे देंगे नहीं, लेकिन ब्रिज तो बनवाना है, और जब तक ब्रिज नहीं बनेगा अपने बेटी से शादी नहीं करवाएंगे, सोचा। तब राहुल अच्छे से सोचकर उन दोनों के पास आकर, देखिए आप दोनों पैसे मत डालिए, लेकिन ब्रिज मैं बनाऊंगा, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या आप मुझे आपकी बेटी की शादी करवाएंगे? अगर मेरा दामाद इस गांव की समस्या को सुलझा दिया तो इसका श्रेय तो मुझे ही मिलेगा ना, उससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? ठीक है, अगर तुम वो ब्रिज बना दिए तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। राहुल उस शाम अच्छे से सोचकर क्या करना है प्लान करके उस गांव के रेलवे मास्टर से मिला। वहाँ, मेरा नाम राहुल है जी, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। आपके गांव में कोई पुराना जो कोई काम नहीं आता वैसा कोई कंपार्टमेंट है क्या? 20 साल पहले वाला एक पुराना कंपार्टमेंट है, उस पर जंग लगकर वो ऐसे ही रह गया, लेकिन अभी वो क्यों चाहिए? राहुल ने उसे सब बताया। इन दोनों गांव को अगर वो कंपार्टमेंट काम में आ जाए तो उससे ज्यादा क्या चाहिए? ठीक है, ले जाओ। अगले दिन राहुल एक बड़े से क्रेन को लाकर वो ट्रेन कंपार्टमेंट को उठाकर वो नदी के दोनों किनारों के बीच रख दिया। प्रशांका के पिता वो देखकर, ये कह रहे ब्रिज बनाऊंगा कहा और ये बोगी यहाँ लाकर रखे? यही ब्रिज है जी, इसको एंट्रेंस है और एग्जिट भी। आप खुशी से इस पर चलकर इस तरफ वाले वहाँ और वहाँ के तरफ वाले यहाँ पहुँच सकते हैं। प्रशांका के पिता और दयाल को ये आइडिया बहुत पसंद आया। अपनी उलझन को इतनी आसानी से सुलझाने के लिए राहुल की बहुत प्रशंसा किए। प्रशांका के पिता अपनी बेटी की शादी राहुल से करवा दिए। स्केटिंग बहु। कोकापेट नाम के गांव में प्रफुल्ल कुमार नाम का ड्रिल मास्टर हुआ करता था। उसे स्केटिंग बहुत पसंद था। वैसे ही कुछ बच्चों को वो स्केटिंग भी सिखाता था। उन बच्चों के साथ उसकी बेटी सिंधु भी स्केटिंग सीखती थी। सिंधु को भी स्केटिंग भी बहुत दिलचस्पी थी, इसीलिए वो भी पूरे मन से स्केटिंग सीखने लगी। वो बड़ी होने के बाद भी वो स्केटिंग को नहीं छोड़ी। एक दिन प्रफुल्ल कुमार की पत्नी, देखिए आप अगर जिद पकड़ के बैठोगे कि इसकी शादी स्केटिंग करने वाले लड़के से ही कराओगे तो ये जिंदगी भर कुंवारी रहेगी, जरा सोचिए, बोली प्रफुल्ल कुमार। चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे दामाद को स्केटिंग आना ही चाहिए, इस विषय में मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, कहा। एक बार किसी काम से कोकापेट आया नवीन नाम का लड़का स्केटिंग कर रही सिंधु को देखकर प्यार में पड़ गया। उसी गांव में रहने वाला उसका दोस्त उसके पापा के स्केटिंग के पागलपन के बारे में बताया। एक दिन नवीन अपने माता पिता से प्रफुल्ल कुमार के घर आया। सर, मैं स्केटिंग चैंपियन हूँ और आपकी बेटी से शादी करने की सोच रहा हूँ, क्या आपको कोई ऐतराजी है? पूछा प्रफुल्ल कुमार। अगर मेरा दामाद स्केटिंग में चैंपियन है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हमारी बेटी शादी के बाद भी स्केटिंग करते रहेगी, आप इनकार नहीं कर सकते, मंजूर ना हो तो अभी कह दीजिए, कहा नवीन के पिता। आहा, उसमें हम क्या इनकार करेंगे जी, वास्तव में तो पहले हम भी स्केटिंग किया करते थे, हमारा स्केटिंग परिवार आपके स्केटिंग परिवार से मिले तो खुश नसीबी होगी, कहा। इस तरह उन दोनों की शादी हुई। सिंधु घर के काम भी स्केटिंग पर ही करने लगी। सासू माँ को कॉफी स्केटिंग करते हुए देती थी, ससुर जी को दवाई भी वैसे ही देती थी, एक रूम से दूसरे रूम भी स्केटिंग करते हुए जाती थी, रसोई में भी स्केटिंग करती थी। वो देखकर नवीन की माँ, रे ये क्या स्केटिंग का पागलपन है, इसको ये घर लगता है या स्केटिंग स्टेडियम, बोली। नवीन, माँ मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं उसे समझाऊंगा, कहा। एक दिन सिंधु नवीन से, चलिए घर पर बोर हो रही हूँ, यूं ही स्केटिंग करके आते हैं, बोली। नवीन, वो मुझे थोड़ा काम है, तुम जाकर आओ ना प्लीज, कहा। सिंधु, वो सब नहीं चलेगा, आप स्केटिंग कैसे करते हो ये मुझे देखना है, चलिए चलिए, कहते हुए वहां से निकले। और कोई रास्ता ना होने की वजह से वे दोनों घर से बाहर आए। नवीन स्केटिंग शूज पहनकर बैलेंस खोकर इधर उधर लटखड़ाने लगा। नवीन, वो आजकल प्रैक्टिस नहीं किया ना, इसलिए बैलेंस सही से नहीं आ रहा है, कहा। सिंधु, कोई बात नहीं, ऐसे समय में तेजी से जाना चाहिए,
तेज जाने से अपने आप बैलेंस हो जाता है, कहते हुए नवीन को पकड़कर जोर से धक्का मारी। बस नवीन घूम घूम कर कीचड़ में गिर पड़ा। फिर नवीन, सिंधु आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोलकर शादी की है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो इसलिए वैसे किया, मुझे स्केटिंग बिल्कुल नहीं आता है। ये क्या कर दिया जी आपने, अगर ये बात मेरे पिताजी को पता चल गया तो, और कल वे आ रहे हैं कह रहे थे, बोली नवीन। हे भगवान अब क्या करूं, कुछ सोचो प्लीज, कहा सिंधु। जो हुआ सो हो गया, अब मैं जो कह रही हूँ वो करो, बोली। अगले दिन घर आए पिताजी को सिंधु स्केटिंग करते हुए कॉफी लाकर दी। कॉफी पीते हुए प्रफुल्ल कुमार, बहुत खुशी हो रही है बेटी तुम्हें इस स्केटिंग परिवार में देखने से। दामाजी चलिए अपना टैलेंट भी दिखा दीजिए। सिंधु, वो पिताजी उन्हें सोलो स्केटिंग करते करते बोर हो रहा है बोल रहे थे, इसलिए हम दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है ना, बोली। फिर बाहर आकर नवीन सिंधु का हाथ पकड़ा। सिंधु, आप बिना घबराए मेरे हाथ को कस के पकड़ लीजिए, उसके बाद मैं देख लूंगी, बोली। फिर सिंधु नवीन को पकड़कर बहुत अच्छे से स्केटिंग की। उनका स्केटिंग देखकर गांव वाले भी चकित रह गए। फिर प्रफुल्ल कुमार, शाबाश दामाद जी, आप में इतना टैलेंट है मुझे नहीं पता था। सिंधु तुमने दामाद जी का हाथ पकड़ा हुआ था इसलिए इतना अच्छे से की, सोलो होता तो तुम इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाती। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों यूं ही साथ में सदा स्केटिंग करते रहो और खुश रहो। उनकी बातें सुनकर नवीन रोए या हंसे नहीं समझ पाया और अपना सर खुजाने लगा। फिर एक दिन नवीन, सिंधु तुम्हारे पिताजी आए हर समय में ये सब नहीं कर सकता, झूठ बोलकर शादी करने की मुझे अच्छी सजा मिल गई। पढ़ाई पढ़ाई कहकर मेरे माता पिता मुझे कभी खेल कूद में जाने नहीं दिए, लेकिन तुम्हारे पिताजी सच में महान हैं। इंसान को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है, ये मुझे अब पता चला। इस बार तुम्हारे पिताजी के आने के पहले ही मुझे सच में स्केटिंग चैंपियन बनना है, मुझे भी प्लीज स्केटिंग सिखा दो ना, कहा। वो बातें सुनकर सिंधु बहुत खुश हुई। इस तरह उसकी मदद से नवीन स्केटिंग सीखने लगा। कुछ समय बाद सिंधु जितना अच्छा स्केटिंग करती है उतना ही अच्छा करने लगा। उन्हें ही स्केटिंग करते हुए देखकर प्रफुल्ल कुमार बहुत खुश होता था।